Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. We have lost Kashmir long time ago. उस फ्रांस ने हालिया डील किया, 36 तैयारे बेचे हैं राफेल भारत को, जो 7.87 बिलियन यूरोस, डॉलर्स नहीं, 7.87 बिलियन यूरोस, लेकिन अक्वामे मुत्तहिदा इन ताकतवर मुल्कों की राफेल बन चुकी है, इन ताकतवर मुल्कों के दस्तरखान की चटनी है, वो जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करते हैं। कि अब तक बहुत कुछ हो चुका, बहुत सारी हुकूमतें आईं गईं, बड़े मोहदे हुए, जंगें हमने लड़ी, मुसल्ला जदोजहद हुई, लेकिन अभी तक ये मामला ताहाल तलब है और रही सही कसर भारत ने 5 अगस्त के वाकये के हवाले से पूरी कर दी थी। अभी भी आप समझते हैं कि ये जो कश्मीर का तनाजा है, ये मामला है, डायलॉग टेबल पर ही जाना चाहिए, वहां पर जाएगा तो तभी इसका हल मुमकिन है। इसके अलावा आप पर रास्ता क्या है? आप तो इस पोजीशन में नहीं है किसी जंग में जा सके, तो जब आप जंग करनी नहीं, फिर दूसरा रास्ता मुजाकरात का है, तो मुजाकरात की आप कोशिश करके देख लें। लेकिन आप मुजाकरात के बारे में बड़े ही गैर संजीदा हैं। कभी कभार इन जो ये दिन होते हैं कश्मीर के हवाले से, हमें सारी बात याद आ जाती है और तो कुछ नहीं है। अमली तौर पे मैं काफ़ी सालों से कह रहा हूँ कि इतने 100 आपके जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, गैर मुल्कों में सफारतकारी कर रहे हैं, मुझे आप बताएं कभी किसी जगह से आपने सुना किसी ने किसी मुल्क के अंदर वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ, वहाँ के वकला के साथ, वहाँ के लीडर जो हैं असेंबली के कारकुन जो हैं, जो मेंबर हैं, उनसे कोई इंटरेक्शन किया हो, उनको बताया हो कि कश्मीर का असल में मसला है क्या, कोई डॉक्यूमेंट्रीज लोगों को दिखाई हो, कोई कभी कभार जिस रोज आज जिस तरह हम यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं सड़क पे आए, वहाँ पे आपके जो मुतलका अफसर है वो खुद सफारत खाने के अंदर उसने कोई एहतजाज किया और काला झंडा लगाया, कुछ नहीं है। तो ऐसे तो बात नहीं बनती है। आप एक मजाक कर रहे हैं कौम के साथ, आपने इस चीज़ को एक रखा हुआ है किसी खास मकसद के लिए, इस लगता है कि आपने इस इशू को अब रखा हुआ है। आप इस इशू का हल चाहते ही नहीं हैं। अगर इशू का हल चाहते होते तो 70 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे। क्या हुआ, हम क्या हुआ, हमने इतने सालों से कोशिशें की, क्या नतीजा उसका निकला? 3 संजीदा कोशिशें हुई सिर्फ इस मामले में, और तीनों संजीदा कोशिशों के बाद हमने इसका फॉलो अप नहीं किया। ऐसे नहीं मामला तय होते, मामला तय होते हैं कि आप अपना मुकदमा मुसलसल लड़ते रहें। और मैं हैरान हूँ कि किस लिए सफारत खाने हैं, किस लिए ये सफारतकार बैठे हुए हैं, क्यों ये तनख्वाहें लेते हैं, क्या ये अपने बच्चों के लिए लेते हैं कि वहाँ पर उनको ला के पढ़ाएं, क्या उनके लिए स्कॉलरशिप को ढूंढते रहते हैं सारी दुनिया में कि अच्छे स्कॉलरशिप कहाँ पर मिलते हैं और कैसे मिलते हैं और अपने बच्चों को स्कॉलरशिप कैसे लेके देने हैं, क्या वहाँ पे उन प्रिविलेज पिक्स का फैसला हासिल करना चाहते हैं कि अपने जो खवातीन हैं उनको अच्छे जेवरात कहाँ से खरीद के लेके देने, उनको अच्छी शॉपिंग कहाँ से करानी है। ये बुरी लगेंगी बातें जरा आपको, लेकिन दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट सीरियस, वी हैव नेवर, हमने कश्मीर के मसले पर कौन सी संजीदा एफर्ट की है? क्या जाके अपना UNO के अंदर एक तकरीर कर देना कई साल के बाद, ये संजीदा एफर्ट होती है? मुझे, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, इतने इतने बड़े जहीन लोग बैठे हैं, जैगम साहब हैं, अमीर अब्बास साहब हैं, अपना नासिब 1 साहब हैं, ये मोहतरमा जो हैं ये बैठी हुई हैं, मुझे इनका जनीरा अजहर नाम आ गया इनका, मैं इन सब से सवाल करता हूं कि इनके इलम में पाकिस्तान के किस किस सफीर ने आज तक किस किस सफारत खाने में इवन आज का ही दिन मनाया हो जो आज आप मना रहे हैं? अगर मनाया है तो मेरा ईमेल एड्रेस में चाहें तो इनको मैं दे सकता हूँ। बाद हजार आप मुझे बता दें कि फलाने फलाने सफारत खाने में ये हमारी एक्टिविटी थी, क्या माननी चाहिए, हमें पैसा हम उजाड़ रहे हैं, किस मकसद के लिए वहां बैठे हैं? मुझे आप मकासद बता दें, क्या मकासद है उनके वहां पे बैठने के? ये मकसद होता है ना कि अपने मुल्क का मौका पेश करना, अपने मुल्क की तजारत के लिए कोशिश करना, अपने मुल्क की मैन पावर को वहां पे जाके फरोख्त करना, यही होता है और क्या होता है? हम इसमें बुरी तरह नाकाम है तीनों चीजों में। ना तो हम अपने लोगों के लिए वहां पे जॉब ढूंढ सके, ना हम अपने वहां पे अच्छी सफारतकारी करके हम कश्मीर के मसले को बता सके वहां की यूनिवर्सिटियों को, वहां के स्टूडेंट्स को, वहां के लायर्स को, वहां की बार रूम्स को। ये क्या मजाक हम कर रहे हैं अपने आप से? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं उस शतमुर्ग की तरह। आई एम सॉरी फॉर दिस वेरी ब्लंट एंड। आपके पास एक ही मुल्क है चाइना,
जो बड़ी मेहरबानी करता है आपके साथ, लेकिन बाकी दो तीन वीटो कर देंगे, जब वीटो हुआ तो मामला ख़त्म हो गया। हम जो बात करते हैं कि हमारे हमने चार इजलास किए सलामती काउंसिल के, मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ। सलामती काउंसिल के इजलास हुए ही नहीं जो बाकायदा इजलास होते हैं। सलामती काउंसिल के अराकीन में गैर रस्मी मशवरा हुआ और जवाब दे दिया गया आपको आपके खत का। एक खत आपने कल फिर लिख दिया है, वो खत फिर चीन के आप हवाले करेंगे, चीन वो हवाले करेगा सलामती काउंसिल के। ये प्रोसेस है भाई, क्योंकि आपने ऑलरेडी भारत को मेंबरशिप दिला चुके हैं सलामती काउंसिल की। Exactly. अब वो वहाँ बैठा हुआ है, तो एक मसला ये बन जाएगा आपके लिए। तो अक़वाम मुत्तहदा से तो मुझे कोई तवक्को नहीं है, और जब बोले उम्मीद भी नहीं है, तवक्को भी नहीं है मेरा बात इन दोनों से। मुझे मुझे उम्मीद अगर है तो वो कश्मीर के अंदर होने वाली रेजिस्टेंस से है जो फिलहाल नहीं हो रही। ठीक है, एक साल से आगे बढ़ती हूँ, उसकी वजह ये है ले दे कि सिर्फ एक मुस्तकिल मेंबर है चीन, जो हमारा दोस्त है, हमारा साथ देता है, लेकिन जहन में रखिए उसके भी अपने मफादात हैं, और वो भी मशरूत तौर पे साथ देता है, वो हमारी जेब में नहीं है, बास चीजों पे हमारा वो साथ नहीं भी देता। FATF पे उसने हमें खुल के सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया लेकिन मशरूत अंदाज में किया। तो मुस्तकबिल करीब में तो इस बात की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि सिक्योरिटी काउंसिल किसी तरीके से पाकिस्तान को बैक करेगी, सिक्योरिटी काउंसिल किसी तरीके से कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी होगी। और इसकी वजह यह है कि इन तमाम जो ताकतें हैं, इनके माशी मफादात भारत के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। किसी ने जहाज बेचने हैं तो किसी ने न्यूक्लियर प्लांट बेचने हैं, तो किसी के किसी तरीके से मार्केट है। और बदकिस्मती से इस अरसे में गुज़श्ता 10 से 20 साल में पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक वेट बहुत कम हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो इकोनॉमिक वेट था, जो माशी वजन था, वो बेइंतहा कम हुआ है। पाकिस्तान के साथ शायद ही कोई कुवत होगी जिसके बहुत ज्यादा माशी मफादात वाबस्ता हो। तो मुस्तकबिल करीब में तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आप ब्रिटेन की बात करते हैं, जो कि इस सारे कश्मीर इशू की बैकबोन है, जिसके बैड डिसीजन और इंटेंशनल बैड डिसीजन की वजह से आज कश्मीर का मसला मौजूद है। जनरल बजट है यूनाइटेड नेशंस का, उसका 22% अमेरिका ने दिया है, जो $10 बिलियन से ज्यादा बनता है। इसका जो पीस कीपिंग मिशन है उसका 28% अमेरिका ने दिया है। जो इसका पीस कीपिंग मिशन है उसका कितना बजट है 2019 और 20 का, वो साढ़े छह अरब डॉलर्स का 28% एक मुल्क दे रहा है। जब तक वो मुल्क नहीं चाहेगा आप सारी अक़वामे मुत्तहिदा को भी साथ मिला लें, तो आप कश्मीर